हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आज मैं आपके लिए ब्रेड बटर रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन इसको हम बनाएंगे थोड़े अलग स्टाइल से। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये परफेक्ट लाइट टी टाइम स्नैक। तो गैस पर हम एक पैन या तवा रख लेंगे और इसको हम ग्रीस कर देंगे 1 टेबल स्पून बटर से। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो बटर मेल्ट हो गया है तो अब हम यूज़ करेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस। आप चाहे तो मल्टीग्रेन या फिर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर और मेल्ट करेंगे और ब्रेड स्लाइसेस को हम पलट देंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे। और ब्रेड स्लाइसेस क्रिस्पी हो गई हैं तो अब हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून शुगर या चीनी। चीनी को ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह फैला करके डाल दीजिए। बहुत ही हल्का मीठा बनता है ये टोस्ट, बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चीनी को हमने फैला करके डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून दूध। दूध को भी ब्रेड स्लाइस के ऊपर फैला कर डाल दीजिए और दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम लोग इसी तरह से पहले चीनी फैला कर डालेंगे और उसके बाद दूध डाल देंगे। और अब सैंडविच की तरह ब्रेड स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर कवर कर देंगे और हल्का सा इनको अब हम दोबारा सेक लेंगे, जिससे कि जो दूध है ब्रेड अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये जो टोस्ट बनता है क्रीमी बनता है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। हल्का मीठा और बहुत ही क्रीमी लगेगा आपको ये। तो इसको अभी हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स तक और पका लेंगे और हमारा बटर टोस्ट बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। तो आज ही शाम को जब आप चाय बनाएंगे तो उसके साथ ये बटर टोस्ट ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे ये। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल चीना इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके।